नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में किसान भाइयों आपकी हमेशा से ही यही प्रयास रहता है कि आपके खेतों में भरपूर पैदावार प्राप्त हो भाई जब खेत लहलहाते होंगे तभी तो आमदनी दुगनी होगी लेकिन इस जो उत्पाद है इसको हम बाजार में तो देते ही हैं इसके साथ में जो अतिरिक्त उत्पाद है इसका प्रसंस्करण भी कर लिया जाए तो क्या बात है एक अतिरिक्त आय का साधन भी जुड़ जाता है तो कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किस प्रकार से किया जाए उससे क्या क्या लाभ होते हैं आपको यही है जानने का विषय आज के अंक में आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं कि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसी विषय को जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी एक विशेष अतिथि जो कि हैं डॉक्टर शालिनी चक्रवर्ती ये वरिष्ठ वैज्ञानिक है राजगढ़ से नमस्कार मैम बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप धन्यवाद सबसे पहले तो मैम आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि प्रसंस्करण का तात्पर्य क्या है किसान भाई इसको किस प्रकार से ले सकते हैं प्रसंस्करण से हमारे किसान भाई इस प्रकार समझ सकते हैं कि आ, किसी वस्तु का स्वरूप बदल देना जैसे जो खेतों में वो लोग उगाते हैं हाँ जी तो उन एक तो उसको कच्ची अवस्था में वो बाज़ार में लेके जाते हैं उसका विपणन करते हैं इसके साथ साथ जो भी मात्रा अतिरिक्त बच जाती है तो जब वो मौसम में उसकी बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है तो प्रसंस्करण की तकनीकियों का उपयोग करके वे उसका स्वरूप बदल सकते हैं और उसको बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं अर्थात तो उसकी जीवन को बढ़ा सकते हैं उसको रखने का जो समय है उसको बढ़ जाता है और इसी को हम प्रसंस्करण कहते हैं जिससे कि हमारा हमारे किसान भाई उसको बाज़ार विपणन करने का उनको समय भी ज्यादा मिल जाता है और विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार हो सकते हैं प्रसंस्करण से तो हमारे किसानों की आय भी इससे काफी अतिरिक्त उनको आय भी प्राप्त हो सकती है तो यही हमारे प्रसंस्करण का तात्पर्य है जी।, जी, इसको अगर मैं एक सरल भाषा में लू कि जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं घर में हमारी दादी नानी मम्मी जो करती थी जो भाजी सुखाना अचार बनाना क्या यही प्रसंस्करण कहलाता है बिल्कुल इस प्रसंस्करण के अंतर्गत ये प्रसंस्करण हमारा प्राचीनतम समय से हमारे लोगों में प्रचलित है प्राचीनतम समय से काफ़ी सारी प्रसंस्करण विधियाँ प्रचलित हैं जिनके द्वारा जैसे आपने अभी बताया कि सुखा के द्वारा जैम जैली अचार मुरब्बे बनाना ये सारी चीज़ें बहुत समय से प्रचलित हैं लेकिन कई बार इनकी वैज्ञानिक विधियों का हमारे किसान भाइयों को ज्ञान नहीं होता और वो इस दिशा में आगे कार्य नहीं कर पाते हैं इसके साथ साथ अभी नए समय में और बहुत सारी नई तकनीकियाँ नई विधियाँ प्रसंस्करण की प्रचलित हो चुकी हैं जो कि किसान भाई बहुत आसान तरीके से जिनको अपना कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और प्रसंस्करण की तरफ जा सकते हैं प्रसंस्करण को आप क्यों आवश्यक मानते हैं अगर आप किसान भाइयों को ये समझाना चाहें कि वो अपने उत्पाद का प्रसंस्करण करें तो उनके लिए उन्हें क्या आवश्यकता है या क्यों करना चाहिए इसके लिए आप क्या महत्ता देंगे जी बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा कि आवश्यकता क्या है हमारे किसानों को हमारे किसान भाइयों को कि वे प्रसंस्करण की तरफ जाएँ सबसे पहला तो हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे किसान भाइयों को कि हमारे देश में प्रतिवर्ष जो खाद्यान्न अनाज दालें तिलहन फल सब्जी जो उत्पादित होता है बहुतायत में उत्पादित होता है पर उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि जब जिस चीज़ का चीज़ का जो भी मौसम होता है तो वे बहुतायत में उपलब्ध होती है बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है बाजार में उतनी उसकी डिमांड नहीं होती और ये हमारा आ, बहुत सारे हमारे देश में इतने भंडार भंडारह और शीत भंडार भंडारह नहीं है जिनसे इन कृषि उत्पादों को हम भंडारण कर सकें प्रॉपर तरीके से तो जितनी भी अतिरिक्त मात्रा है वे कंजम्शन कंज्यूम ना होने के कारण बाजार तक ना पहुंच पाने के कारण और भी बहुत सारे कई चीज़ें हैं जिनके कारण वे नष्ट हो जाते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तकरीबन खाद्यान्न का 10 से 15 प्रतिशत और फल सब्जियों का 25 से 30 प्रतिशत भाग हमारा उपयोग होने के पूर्व ही नष्ट हो जाता जो। है जो जो। तो सर्वप्रथम इस कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को हमें कम करना है उसके लिए हमारे किसान भाइयों को प्रसंस्करण की तरफ जाने की बहुत आवश्यकता है इसके साथ ही आ, हमारे गाँव में हमारे किसान समुदायों में रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की समस्या है जिन दिनों किसान की खेती आ, का कार्य समाप्त हो जाता है उन दिनों वे काफ़ी उनके पास खाली टाइम होता है उस दौरान वे अपने इस कच्चे माल से जो उनके पास उपलब्ध है उसका प्रसंस्करण करके वे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं अपने जो स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं और हमारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है इस तरीके की कुछ छोटी छोटी इकाइयाँ अपने ही रूरल एरिया में अगर हमारे किसान भाई सामूहिक रूप से ग्रुप के रूप में समूह के रूप में कॉपरेटिव के रूप में अगर छोट छोटी छोटी इकाइयों को लगाते हैं तो उनको रोजगार उपलब्ध हो सकता है और तीसरा वे निश्चित रूप से इस इन इकाइयों के द्वारा जो भी प्रसंस्कृत करेंगे बाजार में उसका विपणन कर उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे किसान समुदाय के लिए प्रसंस्करण एक बहुत ही अत्यंत जरूरत आवश्यकता है, है।, है। मैम अगर आप हमारे किसान भाइयों को समझाना चाहें या हमारे दर्शक भी ये जानना चाहें कि प्रसंस्करण क्या सिर्फ फलों का होता है सब्जियों का होता है अनाज का होता है मसालों का होता है किस किस चीजों का प्रसंस्करण वो कर सकते हैं बिल्कुल हमारे किसान भाई जो भी वो खेत में उगा रहे हैं चाहे वे खाद्यान्न हैं खाद्यान्न के अंदर हमारा अनाज आ जाते हैं चावल गेहूँ दालें तिलहन सोयाबीन ये जितने भी हमारे खाद्यान्न हैं इनको उगाते हैं इनका प्रसंस्करण किया जा सकता है इनका श्रेणीकरण वर्गीकरण करके हाँ पैकेजिंग करके ये भी प्रसंस्करण की प्रक्रिया ही कहलाती है कि वे इनकी ग्रेडिंग करें श्रेणीकरण करें इनका इनको अच्छे से पैकेजिंग करें और इसको बाज़ार में उतारें तो इससे भी उनको अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है इसके साथ ही हमारे जैसे दालों का है तो दालों के लिए आप साबुत दालों से दाल बनाना मिल मिलिंग करके उनकी दा, दाल तैयार करना दाल से फिर बेसन तैयार करना ये भी एक प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है इसके अलावा अगर हम फल सब्जियों में जाएँ तो फल सब्जियों के अचार मुरब्बे जैम जेली सॉस केचप और प्यूरीज ये सब बाज़ार में बहुत प्रचलित हैं और इनका ये भी प्रसंस्करण की विधियों के द्वारा इनको बनाया जाता है इसके साथ अगर हम दूध और दूध से बने उत्पाद पे जाएं जैसे जिनके पास मवेशी हैं जानवर हैं तो वे दूध के साथ साथ पनीर दही देसी घी इत्यादि अन्य पदार्थ भी बनाकर बाजार में में उसको विपणन कर सकते हैं इसके साथ जैसे अगर कोई हमारे किसान भाई के पास तालाब है जहाँ वे मछली उत्पादन कर रहे हैं तो मछली उत्पादन आ, की भी प्रो मछली का उत्पादन करके भी प्रोसेसिंग की जा सकती है और इसके अलावा जो मसाला जो कि हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रचलित है मसाला फसलों का उत्पादन तो बहुत ही अच्छा उद्योग है जिसमें हमारे किसान भाई और उनके परिवार अपना एक छोटा इकाई औद्योगिक इकाई, इकाई स्थापित कर सकते हैं जिससे वे धनिया मिर्ची हल्दी अदरक इन सब का जो उत्पादन लेते हैं उन्हीं से तैयार कर करके उन के प्रसंस्कृत उनके पाउडर जैसे धनिया जी, पाउडर जी, हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर अदरक का सॉन्ट बनाना इस तरीके के मसालों का उत्पादन भी इकाइयों के द्वारा किया जा सकता है हमारे किसान भाइयों हाँ, के द्वारा सबसे सरलतम विधि अगर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि प्रसंस्करण की सबसे सरलतम विधि सबसे आसान क्या चीज अगर मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगी कि जो सबसे सरलतम विधि है हमारे किसान समुदाय के लिए और जो उनकी स्थानीय जगह पर रह के जिसके लिए बहुत ज़्यादा उनको मशीनरी या बहुत बड़ी यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है तो वे है सुखाने की विधि जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के मसालों का आ, मसालों को तैयार किया जा सकता है क्योंकि मसालों में सबसे पहला जो हमारा कार्य होता है वह होता है सुखाना और फिर उसके बाद उसको पीसना इसी तरीके से हमारे जो फल सब्जी हैं जिस जैसे आम का आमचूर बनाना या पालक को सुखा के रखना या मेथी को खा के हाँ रखना जिससे कसूरी मेथी तैयार होती जी। है जी। या जितनी भी सब्जियां हैं उनको जैसे कि अपनी लहसुन है प्याज है टमाटर है गोभी है शिमला मिर्च है गाजर है इन सबको सुखा के रखने की जो विधि है वो एक बहुत ही प्रचलित विधि है और बहुत ही सरलतम विधि है जिसमें उनकी लागत जो इकाई की लागत है वो बहुत ही कम आएगी और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सुखाने के दौरान जो नमी है जो उसका पानी है वो अवशोषित हो जाता है और उसके अंदर जब पानी नहीं रहता तो इसकी जो लाइफ है हमारे जो शेल्फ़ लाइफ जिसको हम कहते हैं कि कीपिंग क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लंबे समय तक हमारा पदार्थ सुरक्षित हो जाता है तो किसान के पास मार्केट तक ले जाने के लिए विपणन करने के लिए अच्छा उसको एक समय मिल जाता है नौ महीने से लेके बारह महीने तक पंद्रह महीने तक का उसका समय होता है कि हमारा जो उत्पाद है जो प्रसंस्कृत उत्पाद है वो सुरक्षित रहेगा और उसके पास समय होता है कि वो एक्सपायरी डेट तक ना पहुंचे इसके कंपेरिजन में अगर हम और चीजों की बात करें जैसे जूस जेली जैम सॉस वगैरह तो इनकी जो लाइफ होती है शेल्फ लाइफ सुरक्षित रहने का जो समय होता है वो कंपेरेटिवली uh, 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 कम होता है जी, तो जी। किसान के पास विपणन का उतना समय नहीं, मिल, नहीं पाता, मिल पाता और इन सब के लिए आपको एक अच्छी uh, बहुत सारी मतलब मशीनरी चाहिए होती है जो कि किसान के लेवल पे आ, मेंटेन कर पाना उसको मुश्किल होता है जी, तो सरलतम विधि जो है सुखाने की जो विधि है जिसमें सोलर ड्रायर्स की मदद से चीज़ों को सुखाया जा सकता है और ये हमारे किसान भाई बहुत आसानी से अपने ही स्थानीय जगह में रहते हुए अपने गांव में ही इसको कर सकते हैं हाँ जी जी, जी। किसान भाइयों आप कहीं मत जाइएगा हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है हाँ <laughs> क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसान भाइयों आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शालिनी चक्रवर्ती हम चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण किस प्रकार से करें उससे आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं तो डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो प्रसंस्करण की प्रक्रिया है इसका क्या कुछ प्र, जो उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है कहाँ पर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं क्या कुछ मुख्य इकाइयाँ होती हैं जहाँ पर उन्हें सिखाया जाता है बिल्कुल देखिए वैसे तो आ, बहुत समय से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न जो डायरेक्ट्रेट हैं विभिन्न इंस्टीट्यूट हैं संस्थान हैं उनके द्वारा समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण की विधियों प्रसंस्करण की तकनीकियों की जानकारी दी जाती है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है मतलब उन्हें करके दिखाया जाता है और इसके साथ साथ ही अभी दो में जो हमारी प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्ययन उन्नयन योजना आई है जिसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज स्कीम जिसके अंतर्गत पूरे देश में अगले पांच साल के लिए हमारे आ, किसान भाइयों को प्रोड्यूसर्स को उत्पादकों को और जितने भी हमारा रूरल यूथ है जो हमारा युवा वर्ग है उसके लिए ऐसा योजना है कि जिसमें हमारे किसान भाई इस तरीके की जो भी उनके पास उत्पाद है जिसके अंतर्गत तो एक जिला एक उत्पाद का अवधारणा भी रखी गई है जिसमें जिस जिले में जिस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है हाँ, वे निर्धारित कर दिए गए जी, हैं जी, तो उसमें उस ज़िले में उस पर्टिकुलर उत्पाद को जैसे कि अगर हमारे भोपाल जिले में देखें तो अमरूद को एक जिला एक उत्पाद के लिए मान्य किया गया है राजगढ़ ज़िले में संतरे को किया गया है तो हर ज़िले का अलग अलग उत्पाद निर्धारित किया गया है जिसके प्रसंस्करण के लिए अगर हमारे उत्पादक या किसान भाई कोई यूनिट लगाना चाहते हैं कोई औद्योगिक इकाई लगाना चाहते हैं उसको प्रसंस्कृत करने की तो उसके लिए वे एक परियोजना बनाकर सरकार से उसको उस पर सब्सिडी ले सकते हैं पैंतीस परसेंट सब्सिडी उस पर मिलती है तो ये ये योजना इसीलिए आई है कि जिससे हमारे देश में प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके क्योंकि अभी तक हमारे देश में आ, उत्पादन के लिए तो हम लोग बहुत आ, उत्पादन में तो हम बहुत आगे जा चुके हैं हर चीज़ का उत्पादन क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे इंडिया में तो हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं और बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसका प्रसंस्करण ना होने की वजह से बहुत जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बेमौसम जब ये चीज़ें प्रसंस्कृत जब नहीं हो पाती तो बेमौसम

उसमें एफ एस एस आई लाइसेंसिंग और पैक, अच्छी पैकेजिंग क्योंकि पैकेजिंग का भी बहुत ज्यादा डिमांड है तो अच्छी पैकेजिंग के लिए भी वो अपनी यूनिट का उसको डेवलप कर सकते हैं उसके लिए भी सब्सिडी सरकार से ले सकते हैं तो इन सब के ऊपर बहुत काम चल रहा है जिसके अंतर्गत अभी एक स्टेट नोडल एजेंसी हर स्टेट में तैयार की गई है जो इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें कई जगह पर एम एग्रो इसको इस तरीके के टाइम टू टाइम प्रशिक्षण कर रहे हैं और बहुत सारे प्रशिक्षण इस समय पर हो रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार में जैसे अपने मध्य प्रदेश में देखें तो हॉर्टिकल्चर विभाग है एग्रीकल्चर विभाग है, है हम एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय है जीदूरा। जीदूरा। जिसके अंतर्गत कई सारे रिसर्च स्टेशन और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा टाइम टू टाइम ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं जिनकी थोड़ी सी जानकारी हमारे अगर किसान भाई रखें तो वे इन प्रशिक्षणों का लाभ लेकर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि आपने तो बता दी इन इन संस्थाओं में उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होगा लेकिन उसकी जानकारी उन्हें कैसे प्राप्त होगी कि कब कौन सा शिविर लग रहा है कब कौन सी कार्यशाला लग रही है तो क्या इसके लिए भी कुछ एक विशेष व्यवस्था की गई है देखिए इसके लिए क्या है कि हमारे किसान भाई को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किन आ, क्योंकि कोई भी प्रशिक्षण जब आयोजित होता है तो उनके आ, आजकल सब पोर्टल आ, पर आ जाता है जिससे हाँ, हमारे किसान भाई हर हर विभाग के पोर्टल के साथ हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं और इस आ, पोर्टल के माध्यम से ये सूचना कि कब कौन सा प्रशिक्षण होने जा रहा है विभिन्न संस्थान ये पूरी कोशिश करते हैं कि समय से पहले किसान भाइयों को पोर्टल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या जो हमारे समूह बने हुए हैं उनके माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचा दें जिससे कि समय रहते हमारे किसान भाई उन प्रशिक्षणों के लिए रजिस्ट्रेशन उसकी अंतिम तिथि से पहले करवा लें अच्छा। और इन प्रशिक्षणों में के आयोजन में वे उपस्थित हो सकें तो हमारे किसान भाइयों को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि कब किस समय उनके पास क्या मैसेज आ रहा है या पोर्टल से आ रहा है या वेबसाइट पर अगर उनके पास सुविधा है तो उनकी वेबसाइट पर जाके भी क्योंकि पूरे साल भर के प्रोग्राम जो होते हैं वो एक साथ कैलेंडर में आ जाते हैं जी, जी, जी। तो थोड़ा सा सतर्क रहे इस सब को ध्यान दे कि कहां पर हो रहा है आ, आ, इसके अलावा हमारे जो राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अधिकारी लोग मिलते रहते हैं हमारे किसान भाइयों से और इन प्रशिक्षणों की जानकारी देते रहते हैं किसान भाइयों को ये तो आपने बता दिया कि उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा क्या उसके बाद में उन्हें कितनी इकाई के लिए कितने रुपयों की व्यवस्था करनी है किसान भाइयों को ये कैसे ये समझ में आएगा कि मुझे ये इकाई लगानी है तो उसके लिए उन्हें कितने पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा बिल्कुल देखिए सब जो इकाई लगाने के लिए जो आर्थिक विश्लेषण है वो तो हर किसी को करना पड़ता है और हमारे किसान भाई सबसे पहले इस चीज़ में ध्यान देंगे और ध्यान देना भी चाहिए कि अगर हम कोई इकाई लगाने जा रहे हैं कोई छोटा भी उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं तो उसमें लगने वाली लागत क्या होगी वो उस लागत को बेयर कर पाएंगे हाँ। उस लागत को उठा पाएंगे या नहीं और उसके अनुरूप वो फ़ायदा कमा पाएंगे कि नहीं ये एक बहुत चिंता का विषय होता है हमारे किसान भाइयों के लिए या किसी भी उद्योग लगाने वाले के लिए तो जब प्रशिक्षण में वे जाते हैं और पूरी प्रसंस्करण तकनीकी को समझते हैं तो जिस भी उद्योग को लगाना चाह रहे हैं जैसे मसाला उद्योग को लगाने जा रहे हैं तो उससे संबंधित जो मशीनरी की जानकारी है उसी में उनको दी जाती है अगर नहीं दी जा रही है तो वो इस बारे में पूरी जानकारी जुटाएं कि क्या मशीनरी इस उद्योग में लगाई जाएगी जी। क्या इसकी शुरुआती लागत हाँच। होगी हाँच। और किस रेट से उनको इसमें फायदा होगा जैसे एक छोटी औद्योगिक इकाई उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ अगर मसाला प्रसंस्करण की हमारे किसान भाई छोटी औद्योगिक इकाई लगाते हैं जिसमें एक से दो कुंटल पर डे उनको मसाला पीसना है जी, जी, तो, जी, तो तकरीबन तीन से चार लाख का उनका खर्चा जी, आता जी, है जो मशीनरी के ऊपर है और बाकी बहुत जगह उनको ज़्यादा जगह की स्थान की जरूरत नहीं होती घर में भी एक छोटे कमरे में वो ये छोटी इकाई लगा सकते हैं और छत पर जैसे ड्रायर वगैरह इस्तेमाल करके तो इसी तरीके से अगर वो गेहूं का कुछ करना चाहते हैं गेहूं खाद्यान्न के प्रसंस्करण में आगे आना चाहते हैं कई किसान भाइयों के पास गेहूं है, तो इसी तरीके से आटा चक्की मल्टी फंक्शन मल्टी फंक्शनल आजकल मिल इस तरीके की आने जी, लगी जी, है कि एक ही मिल में आपका आटा भी बन जाएगा आपका दलिया भी बन जाएगा सूजी भी बन जाएगी जी, 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 तो इस तरीके की छोटी मशीनरी की जानकारी होना उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वे और किस बिजनेस में वो आगे आना चाहते हैं किस उद्योग में वो आगे जी, आना जी, चाहते जी, हैं जी, इस तरीके से अगर दाल के उसमें आना चाहते हैं तो दाल मिलिंग की एक मशीनरी उनको हाँ, लेनी हाँ, पड़ेगी एक जी, पैकेजिंग जी, की मशीनरी खरीदनी पड़ेगी तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि वे किस उद्योग में आगे आना चाह रहे हैं उसी से संबंधित आ, मशीनरी का उनको विवरण प्राप्त करना बहुत जरूरी है जब वे प्रशिक्षण ले रहे हैं या प्रशिक्षण के बाहर वो आ, जब जानकारी जुटा जी, रहे जी, हैं जी, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना उन्हें बहुत जरूरी जी, है जी ये तो आपने बात की मशीनरी की अब अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि जो मशीनरी है उसके ऊपर क्या सरकार सब्सिडी भी देती है उन्हें कुछ सहायता मिलती है सरकार से या पूरा उनको खर्चा खुद ही वहन करना देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक तो उन लोगों को ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण की मशीनरी पे उनको सब्सिडी मिले बट अभी जो ये पी नई स्कीम आई है इसके अंतर्गत 35% परसेंट क्रेडिट लिंक मतलब जो बैंक से उन्हें लोन के रूप में जो मिलेगा उसका 35% परसेंट सब्सिडी उनको मिलेगा और बाकी पैंसठ परसेंट उनको अपने ही आ, से वहन करना है जी, इसका जी, खर्चा और 35 परसेंट इसको सब्सिडी सरकार की तरफ से इसमें उनको मिलेगी मिलेगी जी अधिकतम दस लाख तक की इसकी सीमा है जिसके तहत उनको ये सब्सिडी मिल सकती है जी जी।, जी। किसान भाइयों को क्या लाइसेंसिंग की जरूरत है इस उद्योग में आने के लिए बिल्कुल आजकल भारत सरकार के नियमों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वे किसान हैं प्रोड्यूसर हैं या कोई भी व्यक्ति जो इस खाद्य प्रसंस्करण के या खाद्य संबंधी कोई भी चीज़ को अगर वो बाज़ार में विक्रय कर रहा है तो उसके लिए एफ का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है अच्छा पहले बहुत सारे लाइसेंस होते थे अलग अलग उद्योगों के लिए लेकिन अभी एक कॉमन लाइसेंस हो गया है एफ एस एस आई का लाइसेंस जा। जा। जो कि जिसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है और किसान भाई इसके पोर्टल में जाकर बहुत आसानी से बहुत ही कम फीस देकर इसको प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही सरलतम प्रक्रिया इसकी हो चुकी है वे जिस भी उद्योग में प्रसंस्करण के उद्योग में आगे आना चाहते हैं तो एफ के लाइसेंस अति आवश्यक है तो किसान भाई इसके बगैर बिना लाइसेंस प्राप्त किए इस उद्योग में नहीं आ सकते हैं तो ये एक प्रक्रिया है जो किसान भाइयों को करनी पड़ती है जी तो साहब आप आई हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आप कहीं मत जाइएगा अब समय हो चला है खबरें खेती की जानने का नमस्कार किसान भाइयों तो आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर कृषि मशीनीकरण राष्ट्रीय अभियान चलाया उद्यानिकी फसलों की तरफ आकर्षित तरबूज ने बदली किस्मत कटाई में बरते सावधानी और कृषि उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी और अब खबरें विस्तार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संपूर्ण देश में 28 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान कृषि मशीनीकरण पर राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान में कृषि उपकरणों की उपयोगिता एवं महत्व बताने के लिए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के द्वारा कृषि यंत्रों पर प्रशिक्षण सह तकनीकी प्रदर्शनी मेले का आयोजन गत 28 मार्च को किया गया कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर सी आर मेहता ने कृषि यंत्रों के महत्व की चर्चा करते हुए नए नए कृषि उपकरणों तथा कृषि यंत्रों के उपयोग एवं उत्पादकता वृद्धि जैविक एवं प्राकृतिक खेती और कृषि व्यवसाय को बढ़ाने पर भी बल दिया इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेरसिया क्षेत्र के विधायक श्री विष्णु खत्री रहे श्री खत्री ने अनुसूचित जाति परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी कृषकों को कृषि यंत्रों का वितरण भी किया कार्यक्रम के दौरान डॉ एस मंगराज परियोजना अध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया गया श्रीमती नैनीबाई भील परंपरागत खेती छोड़कर उद्यानिकी की फसलों की तरफ आकर्षित होकर अपनी दो हेक्टेयर भूमि पर हाइब्रिड टमाटर की खेती कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर चुकी हैं नैनीबाई एक एकमात्र महिला ही नहीं है जो उद्यानिकी की खेती की ओर आकर्षित हुई हैं इनके अलावा और भी कृषक हैं जो उद्यानिकी खेती को अपना कर न सिर्फ सफल हुए बल्कि अपनी आय में वृद्धि कर दूसरों को भी उद्यानिकी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं विदिशा के लटेरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत चमर उमरिया की रहने वाली श्रीमती नैनीबाई पति श्री नारायण भील ने बताया कि वह अपनी दो हेक्टेयर भूमि पर पूर्व में परंपरागत खेती में अपने पति का सहयोग करती रहीं इसके दरमियान वह उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के संपर्क में आई और हाइब्रिड सब्जियों के उत्पादन व उसकी खेती के बारे में जानकारी ली इसके बाद वह बाजार से हाइब्रिड टमाटर का 20 ग्राम बीज खरीद कर ले आई उन्होंने रोपा लगाकर पौधे लाइन से लगाए तथा उनको सहारा देने हेतु बांस की लाइन लगाकर सुतली से पौधों का सहारा दिया श्रीमती नैनीबाई ने बताया कि कुछ समय बाद ही उन्हें हाइब्रिड टमाटर की खेती में अच्छा उत्पादन मिला उन्होंने करीब बत्तीस हजार रुपए तक का मुनाफा हासिल किया जबकि परंपरागत खेती में उन्हें इतना लाभ प्राप्त नहीं होता था उन्होंने अन्य कृषकों से भी आग्रह किया है कि वह भी हाइब्रिड सब्जियां लगाकर लाभ कमा सकते हैं वर्तमान में श्रीमती नैनीबाई भील उद्यानिकी विभाग की सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना से लाभ ले रही हैं। ग्राम चोका कोडन ब्लॉक राजनगर जिला छतरपुर के किसान श्री गौरीशंकर बैजनाथ पटेल ऐसे खुशकिस्मत किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में पहली बार तरबूज लगाकर पैसा और पुरस्कार दोनों प्राप्त किए मात्र सत्तर से अस्सी दिन में इन्हें तरबूज से तिरानवे हजार रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ तरबूज की इस कमाई से श्री गौरीशंकर गदगद हैं इनसे प्रेरित होकर क्षेत्र के पंद्रह किसान तरबूज लगाने को तैयार हो गए हैं श्री गौरीशंकर पटेल ने कृषक जगत को बताया कि उनके पास सात एकड़ जमीन है उद्यानिकी विभाग की प्रेरणा से पहली बार एक एकड़ में 5 सितंबर को तरबूज फसल के लिए 350 ग्राम बीज लगाया था उद्यानिकी विभाग राजनगर से ड्रिप अनुदान पर ली थी और 12000 की मल्चिंग स्वयं ने की थी और स्वयं के द्वारा खरीदी की गई थी उद्यानिकी विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन मिलता रहा छह फिट की दूरी पर बेड बनाकर बेसल डोज में माइकोराइजा सुपरफॉस्फेट पोटाश और डीएपी मिश्रित में डालने के बाद ड्रिप लगाकर मल्चिंग में तीन फिट पर छेद किए बीजों का उपचार कर रात भर पानी में भिगोकर सुबह बोया अंकुरण के बाद समय पर दवाई खाद निदाई गुड़ाई पर कुल सत्ताईस हजार रुपये का खर्च आया साठ से सत्तर दिन में तरबूज की फसल आ गई तरबूज का वजन साढ़े तीन किलो तक हो गया इस फसल को खजुराहो और छतरपुर में सत्रह रुपए किलो की दर से बेचा रबी फसलों में प्रमुखता से चना मसूर गेहूं इत्यादि की कटाई थ्रेशिंग कार्य चल रहे हैं किसान बंधुओं से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की ओर से परामर्श एवं अनुरोध है कि इस समय फसल सुरक्षा के लिए विशेष सावधानियां रखें कटी हुई फसलों को बिजली के तारों के नीचे ट्रांसफार्मर के पास सड़क के किनारे ढेर न लगाएं जिससे दुर्घटना एवं आगजनी न हो सके साथ ही फसल की थ्रेशिंग करते समय स्वयं की श्रमिकों की एवं जन सामान्य को भी इसकी असुविधा से सामना न करना पड़े इसके लिए एक कदम सड़क किनारे के खेतों में थ्रेशिंग न करें जिससे सड़कों पर डस्ट बारीक भूसा जमा होकर वाहन दुर्घटना भी न हो तथा थ्रेशिंग कार्य में संलग्न व्यक्तियों को समय समय पर आराम कराते हुए चौकन्ने होकर ही सावधानीपूर्ण थ्रेशिंग करें बीजोत्पादन के लिए थ्रेशर की गति 400 से 500 पांच सौ आर पी एम प्रति घंटा रखें। थ्रेशर चालक हमेशा वहां मौजूद रहें, जिससे थ्रेशर के चालन स्थिति में कोई दुर्घटना न हो सके किसान भाइयों गौरतलब है कि कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा 150 सौ यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र सौ रुपए का ही भुगतान करना होता है जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरकार सब्सिडी के रूप में लगभग पाँच सौ का भुगतान कर रही है इस तरह से प्रदेश में लगभग एक करोड़ आठ लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं साथ ही कुल पैंतीस लाख कृषि उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो किसान भाइयों आज खबरें खेती में बस इतना ही आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार किसान भाइयों आज के अंक में जो कुछ भी हमने आपको कृषि संबंधित जानकारियां दी हैं वो निश्चित तौर पर आपके कृषि कार्यों में फलदायी सिद्ध होंगी अगले अंक में फिर होगी मुलाकात लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं अगर आप हमारा आज का यह अंक दोबारा देखना चाहते हैं तो रात को ग्यारह बजे और कल सुबह सात बज के तीस मिनट पर आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ नमस्कार <laughs>